हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन नाउ वी आर रीडिंग चैप्टर फर्स्ट क्वार्टर एंड वी हैव रेड टू पेजेस ऑफ दिस चैप्टर ऑलरेडी बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव टू आंसर द वर्ड मीनिंग विच आर बींग आज पैराग्राफ वाइज तो आपको मुझे उन वर्ड के मीनिंग बताने जो पैराग्राफ वाइज पूछे जा रहे हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर तो हम इसके हमने दो पेजेस रीड आउट कर लिए थे और सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ बाकी था तो हम डायरेक्टली उसी पे चलते हैं आइए तो हम ये फर्स्ट पेज है सेकंड पेज पे है अभी हम और ये लास्ट पैराग्राफ आने वाला है और दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ सेकंड पेज तो रीड आउट करते हैं हम वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ कि वाटर बेसिस है ऑफ लाइफ किसका लाइफ का बेसिस का मतलब आधार है जीवन का एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेंस अ सब्सेंशियल पोर्सन ऑफ फ्री और कम्बाइंड वोटर इन इट्स बॉडी कि सभी एनिमल्स और प्लांट में निहित होता है एक सबसेंशियल पोर्सन सब्सेंशियल पोर्सन का मतलब इस तत्व का एक अनुपात चाहे वो मुक्त रूप से हो चाहे वो संयुक्त रूप से कंबाइंड रूप से, से वोटर का होता है इन इट्स बॉडी इनके शरीर में किसके एनिमल और प्लांट सभी के में एंड नो काइंड ऑफ फिजोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ पॉसिबल और किसी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल का मतलब शारीरिक क्रियाएँ संभव ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है जिसके अंदर ये जो फ्लूड है डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट जिसके अंदर ये द्रव अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले ना करता हो एसेंशियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वाटर इज ऑफकोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ वाटर निश्चित रूप से क्या है नेसेसरी है सभी एनिमल लाइफ के लिए वाइल मॉइस्चर इन द सोइल इज इक्वली इम्पेटिव फॉर द लाइफ एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ दाउ द क्वान्टिटी नेली वेरीज इनमर्सली विथ द स्पीसीज देखिए क्या करें जबकि जो मॉइस्चर है मॉइस्चर का मतलब होता है नमी जो नमी होती है सॉइल के अंदर वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए जितनी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और ट्री की ग्रोथ के लिए कि कहने का मतलब नमी उतनी आवश्यक है जीवन के लिए जितनी कि प्लांट की और ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए आवश्यक है दाउ द क्वान्टिटी नेली वेरीज हालांकि जो क्वान्टिटी है जो क्वान्टिटी है वो वेरीज हो सकती है अलग अलग प्रकार की हो सकती है कहीं पर क्वान्टिटी अधिक हो सकती है कहीं पर क्वान्टिटी कम हो सकती है कहने का मतलब पेड़ अपनी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग वाटर अब्जॉर्व करता है लेता है अपनी प्रजाति के अनुसार स्पेसिस का मतलब प्रजाति द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर और जो कंजर्वेशन है और यूटिलाइजेशन देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण उसको सेव करना सेविंग और यूटिलाइज का मतलब होता है उसका उपभोग करना उसका यूज़ करना ठीक तो है तो कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज द फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर कि ये फंडामेंटल है कि हम कह सकते हैं कि पानी का संरक्षण करना उसका उपयोग करना क्या है ये फंडामेंटल है आधारभूत चीज़ है किसके लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए मानव कल्याण के लिए मानव कल्याण के, के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम उसका कंजर्व भी करें और सही ढंग से उसका उपयोग करें अपार्ट फ्रॉम आर्सियन वाटर यहाँ पे आर्सियन वाटर की बात की गई है तो आर्शियन वाटर कहा जाता है सी वाटर को जो समुद्री पानी होता है उसको आर्शियन वाटर कहा जाता है तो अपार्ट फ्रॉम आर्सियन वाटर अगर हम आर्शियन वाटर को छोड़ दें द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस जो अल्टीमेट सोर्स है अल्टीमेट का मतलब जो अंतिम स्त्रोत है सभी परिस्थितियों में इजरेन वो क्या है बरसात है और स्नोफॉल या फिर क्या है बर्फबारी स्नोफॉल मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल कि अधिकतर जो भारतीय कृषि है वो आधारित है किसके ऊपर मौसमी बरसात के ऊपर कि मौसम के अनुसार जो बरसात होती है उसी के ऊपर भारतीय कृषि निर्भर है एंड इज देर फोर और इसी वजह से इसी वजह से इज़ देयर फोर वेरी सेंसिटिव टू फेलर और ए रेगुलर्टी ऑफ द सेम और ये इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है संवेदनशील हो जाता है कि असफल होना अनिश्चित होना किसका इस वोटर का मतलब कि हम जो हमारी खेती है वो पूर्णतः किस पे आधारित है रेन के ऊपर और जो रेन नहीं होगी नियमित होगी तो कृषि का असफल होना अनियमित होना हमारी बरसात के ऊपर रेन के ऊपर डिपेंड करता है द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इन एडिक्यूट और रेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर कि जो प्रॉब्लम्स है किसकी सॉइल इरोजन की समस्या मृदा प्रदन की जो मृदा प्रदन जिसको मिट्टी का कटाव भी कहा जाता है सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी का कटाव कि जो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की एंड ऑफ इन एडिक्यूट और इनरेगुलर रेनफॉल यहाँ पे दो वर्ड है एक इनएडिक्यूट है देखो इन अगर इसमें से मैं हटा दूँ तो एडिक्यूट रहेगा और एडूक्यूट का मतलब है पर्याप्त और इन लगाते इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग हो जाएगा जिसका मीनिंग होता है अपर्याप्त तो, मतलब तो इन एडिक्यूट का मतलब अपर्याप्त इनरेगुलर का मतलब अनियमित कि जब अपर्याप्त और अनियमित जो बरसात है ठीक है ना वो आपस में कनेक्टिड है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा आपस में एक दूसरे से है समस्या किसकी समस्या सोइल इरोजन की समस्या हो चाहे पर्याप्त अनियमित बरसात की जो समस्या है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इट्स क्लियर ये स्पष्ट है दैट द अडोप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वॉटर वेयर इट इज़ वॉन्टेड कि क्या कह रहे हैं अडोप्शन का मतलब अपनाना किसको तकनीक को टेक्निक को प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन जो कि सॉइल इरोजन को रोकती हो कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम कोई टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं इसको अडॉप्ट करते हैं। किसी तकनीक को अडॉप्ट करते हैं जो सॉइल यूजन को प्रिवेंट करे जो सॉइल यूजर्जन को रोके वो मदद करेगी किसके अंदर कंजर्व कंजर्व का मतलब बचाने में सेव करने में एंड कीप द वाटर और वाटर को बनाए रखने में वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ पे ये चाहिए जहाँ पे इसकी आवश्यकता है इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए ऑन एंड इन सोइल या तो मिट्टी की सतह पे या फिर मिट्टी के अंदर हम इसको कंजर्व कर सकते हैं और इसको बनाए रख सकते हैं एंड सच टेक्निक्स देयर फॉर सर्व डबल पर्पस और इस प्रकार की जो टेक्निक्स है तकनीक है वो क्या करेगी हमारे दोगने उद्देश्य पूरे करेगी डबल पर्पस हमारा पूरा करेगी डबल पर्पस का मतलब दो उद्देश्य पूरे करेगी इट इज़ एविडेंट और ये एविडेंट है इट इज़ क्लियर ये क्लियर एंड स्पस्ट हाव डैट इन अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल एन इमेंस क्वान्टिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड देखिए क्या करें यहाँ पे इन अ कंट्री एक देश हैविंग अ सीजनल रेनफॉल जहाँ पे सिर्फ सीजनल रेनफॉल होती है सीजनल रेनफॉल का मतलब जो मौसम के अनुसार बरसात होती है यहाँ पे हमारे यहाँ पे मौसम के अनुसार ही बरसात होती है बिना मौसम बरसात बहुत कम होती है तो ये कह रहे हैं कि जो सीजनल रेनफॉल है ठीक है एंड इमेंस क्वान्टिटी ऑफ रेन वाटर और जब अत्यधिक जो क्वान्टिटी है मात्रा किसकी रेन वाटर की मस्ट नेसेसली रन ऑफ द ग्राउंड वो निश्चित रूप से क्या करता है ग्राउंड को रन ऑफ कर देता है अपने साथ में कर ले जाता है जिसकी वजह से मिट्टी का कट्टा होता है द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज़ देयर फोर द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज़ देयर फोर ऑफ विटल इंपोर्टेंस कि इसको इकट्ठा करना इसका उपयोग करना किसका वॉटर का ये हमारे लिए महत्व बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको क्या करें इकट्ठा भी करें कलेक्ट भी करें संग्रहित भी करें और इसका उपयोग भी करें मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इंटू स्ट्रीम्स और अधिकतर इसका जो फ्लो है मच ऑफ इट का मतलब अधिकतर वाटर वो फ्लो डाउन हो जाता है स्ट्रीम्स के अंदर मतलब बहकर नदियों में चला जाता है एंड रिवर्स और रिवर्स के अंदर अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू द सी और यह स्वतः ही अपना रास्ता किस ओर ढूंढ लेता है समुद्र की ओर कहने का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो हमारा बरसात जो बरसात होती है वो बहकर नदियों में जाती है सरिताओं में जाती है और नदियाँ हमारी सीधी किसके अंदर चली जाती है समुंदर के अंदर तो अधिकतर पानी जो बरसात का होता है वो वापस समुद्र के अंदर लौट जाता है इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पीसियस फ्लूड आर दस लोज टू कंट्री और इस प्रकार से बड़ी मात्रा में जो ये हमारा प्रीसियस फ्लूड है जो बहुमूल्यवान द्रव है जो कि पानी है ये इस प्रकार से एक देश खो देता है तो इस पैराग्राफ में से आप जो मुझे वर्ड बताने वाले हैं वो मुझे बताएंगे एक तो इमेंस बताएंगे आप इमेंस का क्या मीनिंग है और सेकेंड जो इसमें से बताएंगे मुझे एक वर्ड आया था कंजर्व कंजर्व वर्ड है इसके अंदर ये कंजर्व तो सेकेंड वर्ड जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो कंजर्व है कंजर्व का मीनिंग बताएंगे आप मुझे ठीक है अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे द हार्नेसिंग ऑफ रिवर्स एंड द वॉटर विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम कि क्या कह रहे हैं हार्नेसिंग ऑफ आर रिवर्स रिवर्स को हार्नेस करना हार्नेस का मतलब रिवर को बिगाड़ देना द वॉटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट और जो वाटर अधिकतर क्या हो जाता है बहकर बर्बाद हो जाता है इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है विच मस्ट बी कंसिडर जिसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए एड डील्ट विथ ऑन नेशनल लाइन्स और इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको सुलझाया जाना चाहिए वास्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रजेंट आर मेयर स्क्रब जंगल्स वास्ट एरिया का मतलब बड़े बड़े जो क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र जमीन के जो आज प्रस्तुत है प्रेजेंट है मेयर स्क्रब जंगल वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रब जंगल है स्क्रब का मतलब झाड़ियों वाले जंगल है स्क्रब जंगल का मीन है झाड़ियों वाले जंगल है कुड बी टर्न इन टू फर्टाइल जिसको हम क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं एक फर्टाइल और प्रॉस्पर कंट्री के अंदर उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र के अंदर बदला जा सकता है विथ बाय करीजियस एंड वेल प्लांट एक्शन कैसे साहसी और सुसंयोजित कार्य के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है एक उपजाऊ और समृद्धिपूर्ण देश के अंदर बदला जा सकता है क्षेत्र के अंदर बदला जा सकता है इसमें से आप जो मुझे बताएंगे वर्ड वो है जो मैं आपको पूछने वाला हूँ करीजियस वर्ड तो आप मुझे करीजियस वर्ड का मीनिंग इसमें कि जो है है क्या मीनिंग इसका? पैराग्राफ। कनेक्टेड मतलब बड़े ज्यादा कनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई प्रॉब्लम ऑफ एफोरेशन क्या करें कि जो कंजर्वेशन है किसका कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई प्रॉब्लम जो कंजर्वेशन है वाटर सप्लाई इसका वो प्रॉब्लम है किसकी अफोरेशन की अफोरेशन का देख मतलब क्या होता है देखो एक तो डिफॉरेस्टेशन होता है एक अफोरेशन होता है फॉरेस्ट की जो मीनिंग होती है एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल अब अगर इससे पहले डी लगा देंगे तो डी फॉरेस्ट और आगे लग जाएगा आपका टेशन टी ए टी आई ओ एन तो डीफॉरेस्टेशन इसका मतलब हो गया जंगलों को काटना लेकिन अगर जो एफोरेशन है इसमें भी फॉरेस्ट वर्ड शामिल है तो ए ओ आर ई -E एस टी फॉरेस्ट टेसन टेशन आगे लिखा हुआ ही है लेकिन इसमें ए एफ लिखा हुआ है ए ए फोर तो एफोरेशन हो गया और एफोरेशन का मतलब हो गया जंगलों को बढ़ावा देना जंगल उगाना आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज अगर हम सही ढंग से प्लांट करते हैं उगाते हैं सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इम एरियाज यहाँ तक कि जो संभव क्षेत्र है जो कौन से क्षेत्र है जो संभव क्षेत्र है और जो असंभव क्षेत्र है वहाँ पे भी अंदर डेवलपमेंट ऑफ वॉट वन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट और इस डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं सिविलाइज फॉरेस्ट कह सकते हैं सिविलाइज फॉरेस्ट का क्या मीनिंग है सभ्य जंगल हो सकते हैं कि हम एक सिस्टेमेटिक प्लांटिंग करें सुटेबल ट्रीज़ को उगाएँ जो संभव क्षेत्र है वहाँ पर भी और जो असंभव क्षेत्र है जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर भी हम सही ढंग के पौधे उगाएं तो एक सिविलाइज फॉरेस्ट हो सकता है एक सभ्य जंगल हो सकता है एक अच्छा जंगल बन सकता है एज डिस्टिंगइाइज फ्राम वाइल्ड एंड टेम्प्ड जंगल्स जो कि आज हमारी जंगली और मतलब ये एक प्रकार से अनटेम्प्ड जंगल हो चुके हैं अनटेम्प्ड का मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया जो कि आज अर्जेंट नीड्स हो गई है इंडिया की सच प्लान्टशन वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेट इस प्रकार की जो प्लान्टशन है वो डायरेक्टली हो चाहे इनडली साबित हो रही है क्या साबित हो रही है ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ कि ऐसा सोर्स साबित हो रहा है वेल्थ का जो कहा नहीं जा सकता अनटोल्ड वेल्थ टू कंट्री किसके प्रति देश के प्रति दे वुड चेक सोयल इरोजन इससे क्या फ़ायदा होगा इस प्रकार के प्लांटेशन से इसे चेक कर पाएंगे रोक पाएंगे सॉइल इरोजन को मृदा प्रदन को और संरक्षित कर पाएंगे किसको रेनफॉल को ऑफ द कंट्री जो देश की है देश की जो बरसात है उसको भी रोक पाएंगे फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट जो बहकर बर्बाद हो जाती है एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाइज ऑफ चीप फ्यूल और साथ ही साथ उपलब्ध कराएंगे आवश्यक पूर्ति सस्ती ईंधन की जो जंगल है वो हमको सस्ता ईंधन भी प्राप्त कराएंगे एंड द स्टैंडर्ड अनसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन और साथ ही साथ ही आप जो अननेसेसरी वेस्टफुल है वेस्टफुल कंजर्वेशन जो जंगलों से जो पेड़ पौधे या पत्ते हैं वो टूट कर जो बिखर जाते हैं वो हम उसका क्या कर सकते हैं फार्म यार्ड मैनर बना सकते हैं खाद बना सकते हैं इंटू फार्म ऑफ फ्यूल किसके अंदर फार्म ऑफ फ्यूल के के रूप में आगे देखिए क्या है दस मीज़र्स नेसेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर और इस प्रकार के जो मीज़र्स है वो जरूरी है नियंत्रित करने के लिए द मूमेंट ऑफ वाटर जो मूवमेंट ऑफ वाटर है जो पानी का जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए और साथ ही साथ कंजर्व करने के लिए इसकी सप्लाई को कैन ऑल्सो सर्व सब्साइडरी पर्पज़ ऑफ वैल्यू टू लाइफ ऑफ द काउंट्री साइड और इसके अलावा ये इस सब्साइड्री पर्पज़ भी कर सकता है देखो सब्साइडरी का मतलब होता है सेकेंडरी पर्पज़ दूसरे उद्देश्य को भी पूरा कर सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र की जीवन से संबंधित है लाइफ ऑफ काउंट्री साइड का मतलब जो कौन से क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र है बाई फार चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री इज़ बाई बोर्ड्स एंड बारगेज थ्रू कैनाल्स कि क्या कह रहे हैं कि जो कैनाल्स हैं सॉरी बाई फार द चीपेस्ट फ्राम इंटरनेट ट्रांसपोर्ट साथ ही साथ ही ये हमको सबसे ज़्यादा सस्ता आंतरिक जो ट्रांसपोर्ट परिवहन है देश के अंदर वो भी उपलब्ध करा सकते हैं किससे बोर्ड्स से और बारजिश से बोर्ड्स होती है बड़ी बड़ी नावें बारजिस उन नावों को कहा जाता है जो माल ढोने वाली होती है जो माल को लेके जाती है थ्रू केनाल्स एंड रिवर्स किसके थ्रू जो नदी है और जो कैनाल्स एंड कैनाल्स का मतलब नहर क्योंकि नहर और जो रिवर्स है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं सबसे सस्ता परिवहन उपलब्ध करा सकते हैं नाव चलाकर बार्जेस चलाकर वी हेयर मच वी हीयर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रैल एंड रोड कंस्ट्रक्शन हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देता है ठीक है हम सुनते भी बहुत ज़्यादा हैं किसको लेकर प्रोग्राम ऑफ रोल रेल के प्रोग्राम को लेकर या रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर मतलब सरकारें प्रोग्राम बनाती रहती है कि रेल का निर्माण करना या सड़क निर्माण करना है बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटर इंडिया लेकिन हम बहुत कम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं विकसित कर सकते हैं आंतरिक जो जल परिवहन है भारत के अंदर उसको भी हम विकसित कर सकते हैं इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए देन अगेन फिर से द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाई ऑल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर तो देखो क्या करें साथ साथ हार्नेसिंग ऑफ पावर सॉरी वाटर सप्लाई अगर हम वाटर सप्लाई को हार्नेस करेंगे उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे या ऊपर से गिराएंगे तो संभव है कि हम क्या कर सकते हैं विकास कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का मतलब इससे बिजली का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक अ ट्रमडिस डिफरेंस और अगर बिजली उपलब्ध होगी तो इसे एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड जो ग्रामीण जीवन का जीवन है जो ग्रामीण जीवन है उसके अंदर एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव और साथ ही साथ ये क्या कर देगा इनेबल कर देगा जो रूरल इकोनॉमी है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी काफ़ी सुधार करेगा इन वेरियस डायरेक्शन कई प्रकार के डायरेक्शन के अंदर इन पर्टिकुलर विशेषकर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर ये क्या करेगा इनेबल कर देगा अंडरग्राउंड वाटर को टू टैप टू बी ग्रेट एक्सटेंट कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो अंदर ही रहेगा काफ़ी बड़े स्तर पर दैन एट प्रजेंट जो अभी वर्तमान स्थिति है उसकी तुलना में है, दस हेल्प टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ और साथ ही साथ ही हमारी मदद करेगा कंट्रोल करने में जो डिफ़िकल्टीज अराइज हो रही है उठ रही है फ्रॉम इ एंड इन एडिकुसी ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई किसकी वजह से जो अनियमित और अपर्याप्त सोर्स है सप्लाई के जो समस्याएँ हमारे पास में आ रही है उसको भी खत्म करने में हमारी मदद करेगा इन वन सेंस एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड कि जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा सामान्य द्रव है लिक्विड से द्रव में इन अनादर सेंस और दूसरे अर्थों में इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स और दूसरे अर्थों में कहा जाए तो ये सबसे ज़्यादा असामान्य लिक्विड है विथ अमेजिंग प्रॉपर्टीज जिसकी अमेजिंग प्रॉपर्टीज है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर जो कि जिम्मेदार है इसकी अद्भुत शक्ति के लिए फॉर मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ जो कि संभाल रखी है बनाए रखी है किसको एनिमल और प्लांट लाइफ को कि वोटरी एक ऐसा द्रव है जो कि सभी प्रकार के सजीव चीज़ों में पाया जाता है और सजीव चीज़ों को बनाए रखता है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ देअर फॉर द हाइस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट जो आजकल जांच पड़ताल है किसकी नेचर की और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और वाटर की प्रॉपर्टीज़ का ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक इंटरेस्ट का इशू है सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट इस में इंटरेस्ट ले रहे हैं इस फार एंड इस फार फ्रॉम इस फार फ्रॉम बीइंग एग्जोस्टिड फील्ड ऑफ रिसर्च और ये एग्जोस्टिड फील्ड नहीं है ऐसा नहीं कि कभी समाप्त होगा ये रिसर्च का ऐसा फील्ड है जो कभी एग्जिस्टिड नहीं होगा देखो एग्जॉस्टेड का मतलब है ख़त्म होना समाप्त हो जाना लेकिन वोटर पे जो रिसर्च है वो कभी ख़त्म नहीं होगी ये ऐसा फील्ड है जो कभी एग्जोस नहीं होगा एग्जॉस्टिड नहीं होगा ठीक है तो हमने ये चैप्टर पढ़ा आपको समझ में आया होगा ये और आपको जो वर्ड गए उनके आंसर आप दे एक तो इसी वर्ड का मीनिंग बताना है आपको एग्जॉस्टिड वैसे एग्जोस्टिड का मतलब क्या होता है जो खत्म हो जाए